छिंदवाड़ा में केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना देश नाम से कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसमें पर्यटन से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा, इस पर किसानों से अभी बात चल रही है। मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि अभी किसानों से बात चल रही है, इसीलिए वे इस पर कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है। मोदी सरकार ने हमेशा सभी के पक्ष में फैसले लिए हैं, फिर चाहे वे किसान हो या मजदूर या आम आदमी। ऐसे फैसले पहले कभी किसी ने नहीं लिए हैं। प्रदेश में माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई सही है, यह होना चाहिए। पर्यटन में विकास को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपना देश नाम से एक कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, जिसमें पर्यटन संबंधित सभी तरह का ब्यौरा होगा। मंडी के कामकाज के तरीकों में बड़े अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आज की तारीख में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि सरकार ने 9 तारीख की बात कही है। सरकार हमेशा से किसानों के हित पे है। मोदी सरकार ने जितने फैसले इस देश में लिए हैं इन 6 वर्षों में, इतने बेहतर सुधार के फैसले कभी किसी सरकार ने नहीं लिए, चाहे वो मजदूरों के मामले हों चाहे किसान के मामले हों। पहली बार संस्थागत रूप इन तमाम वर्गों को मिल रहा है, इसमें किसी को भ्रम है तो वो चाहे सरकार से बात करेंगे। सरकार ने 9 तारीख कहा है, इसलिए उसके पहले मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।